नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन संगीतियों के विषय में। देखिए, जैन धर्म जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जैन धर्म संबंधित 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी जी, जिन्होंने जैन धर्म को शुरू किया था। हालाँकि जैन धर्म इससे भी काफ़ी पहले का माना जाता है। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे जैन धर्म से संबंधित, लेकिन जो जैन धर्म है वो कहीं ना कहीं महावीर स्वामी जी के समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो आगे चल करके महावीर स्वामी के पश्चात जैन धर्म से संबंधित दो संगीतियों का आयोजन किया गया था। ये संगीतियाँ एक प्रकार की सभा हुआ करती थी। इन सभाओं में जैन धर्म पर विचार विमर्श किया जाता था, जो भी समस्याएं हैं, जो मतभेद है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता था। जैन धर्म की जो भी शिक्षाएँ हैं उनको पुस्तकों के रूप में संकलित करने पर विचार किया जाता था। तो इनकी संख्या कितनी है? दो। तो अक्सर परीक्षाओं में जैन संगीतियों संबंधी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जैन संगीतियाँ कहाँ आयोजित हुई थी, किस स्थान पर आयोजित हुई थी, कब आयोजित हुई थी, किसके समय आयोजित हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी और क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। तो देखते हैं हम लोग दोनों संगीतियों के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम जैन संगीति के विषय में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच। देखिए, जो बिल्कुल पक्का जो तिथि पता नहीं है कि किस तिथि में हुआ था, बस इतना पता है कि जो प्रथम जैन संगीति है इसका आयोजन 322 से 298 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जिस समय मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। और ये जो डेट है ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने समय तक शासन किया था और इसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, ध्यान रखना है। और कौन से स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की राजधानी थी। अध्यक्षता किसने की थी प्रथम जैन संगीति की? तो स्थूलभद्र। नाम याद रखिएगा, स्थूलभद्र। क्या महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो जो प्रथम जैन संगीति है इसमें जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। जैन धर्म में जो जैन धर्म संबंधी जो धर्म ग्रंथ है उनको आगम या अंग कहा जाता है, तो जिनकी संख्या 12 बताई जाती है, तो इनका प्रणयन मतलब इनका संकलन किया गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इस प्रथम जैन संगीति की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ गया था और इसके कारण जो है जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बट गए थे। कुछ लोग जो हैं उत्तर की ओर रहे विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और कुछ लोग जो हैं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चले गए थे। तो जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में रहे, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, श्वेत वस्त्र, वो श्वेतांबर कहलाए और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे स्थूलभद्र, जिन्होंने इस संगीति का अध्यक्षता की थी। दूसरे वे लोग जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में गए वो दिगंबर कहलाए, इन्होंने अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया। देखिए, जो श्वेतांबर जो उत्तर में थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया इसलिए वे श्वेतांबर कहलाए, और जो दक्षिण में गए विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उसके आसपास कहीं वो गए कर्नाटक में, तो वहाँ पर जो गए वो दिगंबर कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया, वो जो है बिल्कुल नग्न रहते थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे, वो भी दक्षिण में गए हुए थे और दिगंबर संप्रदाय को वो भी मानते थे, दक्षिण में ही उन्होंने अपना देह त्यागा था। जो जैन धर्म में जो प्रचलित है ना जो संलेखना विधि, उसके द्वारा इन्होंने अपना देह त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों संप्रदायों का विभाजन प्रथम जैन संगीति के समय हुआ था। अच्छा, श्वेतांबर संप्रदाय के जो मेन थे, जो लीडर थे वो थे स्थूलभद्र, वही जो दिगंबर संप्रदाय के जो लीडर थे या फिर कहें इनके जो मेन थे वो थे भद्रबाहु। दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो ये था प्रथम जैन संगीति। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ 512 ईस्वी में। देखो, प्रथम जैन संगीति ईसा पूर्व 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य, लेकिन जो द्वितीय जैन संगीति है वो ईस्वी सन में हुआ था 512 ईस्वी में, मतलब आज से लगभग 1500 वर्ष पहले। कौन से स्थान पर हुआ था? बल्लभी। बल्लभी जो कि गुजरात में है, ध्यान रखेंगे बल्लभी। यहाँ पर ना एक
शिक्षा केंद्र भी हुआ करता था, विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। तो वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। शासक या राजवंश, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मिल करके इस संगीति का आयोजन किया था। अध्यक्षता की थी देवर्धी गणी ने। देवर्धी गणी जिनका एक नाम मिलता है देवाधि क्षमा श्रवण, दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, देवर्धी गणी अथवा देवाधि क्षमा श्रवण ने द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया था। कार्य क्या हुए थे, महत्वपूर्ण कार्य? तो जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन, जो आगम ग्रंथ है ना जैन धर्म से संबंधित, तो उनका अंतिम रूप से संकलन हुआ था। प्रथम संकलन प्रथम जैन संगीति के समय हुआ था, और अंतिम रूप से जैन धर्म ग्रंथों का संकलन कब हुआ? द्वितीय जैन संगीति के समय। तो इन दोनों जैन संगीतियों को याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए, टेबल बना करके आप लोग इसको खुद से लिखिए, तो आपको आराम से ये चीज़ याद हो जाएगा। ऐसे आप टेबल बना लीजिए और इसमें जो अलग अलग खाना बना लीजिए आप इस टाइप से, तो प्रथम में लिखिए आप जैन संगीति, दूसरे में वर्ष लिखिए, तीसरे में आयोजन स्थल, चौथे में राजवंश और शासक, उसके बाद फिर अध्यक्ष, उसके बाद फिर कार्य। ऐसे आप लोग खुद से बनाइएगा, खुद से इसको करिएगा, तो आप लोगों को जो है इस टेबल को बनाते बनाते ही सारा कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसे ज़रूर करिएगा, आपको आराम से ये याद हो जाएगा, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट हो तो, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।